इससे पहले भी बहुत लोग आए और ऐसे भाषण बहुत अच्छे अच्छे देखे गए, लेकिन अब खड़े होके दिखाना ये इस बार नहीं, अगली बार के लिए। जब आप घर में छिप गए थे ना, तब चंचल आजाद एनआरसी में वहां खड़ा था जमा मस्जिद में, मेरे किरदार पे कोई उंगली उठा था, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सही बात है। नहीं देखो मेरी बात सुन लो, बताओ मुझे ईमानदार से बताओ, कभी अब मैं तो भाई कह रहा हूँ ना, मैंने करके दिखाया है, मैंने करके दिखाया। एक मिनट सुन लो मेरे भाई, सुन लो, मैं बहस नहीं करना चाहता भैया, जवाब नहीं दे पाओगे। सुख सुविधा की राजनीति करने वाले बहुत है, मैं सड़कों पे टाइम को लड़ता, क्या मेरा कद कम है? मैं यहाँ खड़ा हुआ हल्के में ले रहे हो, अगर मैं किसी सरकार के सामने खड़ा हो जाऊँ तो सरकार की टांगें कांप जाती है, आप जानते नहीं चले जाए तो। आपकी हिम्मत हो तो समाजवादी के लोगों से पूछना कि दो, आपने कहा था कि 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, आपके 2012 के मैनिफेस्टो में था, इतने लोग खड़े हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? लड़के मरो या डर के मरो, इस बार वोट डर कर नहीं करना कि कोई खा जाएगा पी जाएगा। जब तक हाथ खड़ा है तुम्हारे सामने मैं देखूंगा, वचन दे कह रहा हूँ आपके मान सम्मान की भी, और जब तक मेरे शरीर में लौकात्र कतरा है इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए और हक वंचित कमजोर मजलूम समाज के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई उठाने के लिए खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, मेरी बात को याद। जो बात आपने कही है उस पे खरा उतर के दिखाना, इससे पहले भी बहुत लोग आए और ऐसे भाषण बहुत अच्छे अच्छे देखे गए, लेकिन अब खड़े होके दिखाना ये इस बार नहीं, अगली बार के लिए भी आपका यही होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर मैं अभी चार चार गोली खा के बैठा, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सी गोली कहाँ से आके मेरे सीने के पास निकलेगी। ये कहना आसान है लेकिन 16 महीने जेल काटना मुश्किल है, और अपने लिए कोई हर कोई लड़ लेता लेकिन किसी दूसरे की लड़ाई लड़ना मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद से ऐसे खड़े होके मजमे में ये सवाल कह देना, करके दिखाना, करके दिखाया भाई, करके दिखाया पहले इन्होंने। जब आप घर में छिप गए थे ना, तब चंद्रशेखर आजाद एनआरसी में वहां खड़ा था जमा मस्जिद, मुझे आप ये कह दो कि चंद्रशेखर आप और भी कुछ भी कह दो, लेकिन मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाता ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सही बात है। नहीं देखो मेरी बात सुन लो, हमारी बात भी सही, बताओ मुझे ईमानदार से बताओ, कभी अब मैं तो भाई कह रहा हूँ ना, मैंने करके दिखाया है, मैंने करके दिखाया। एक मिनट सुन लो मेरे भाई, सुन लो, मैं बहस नहीं करना चाहता आपसे भी, किससे नहीं करना चाहता, मैं तो उनसे भी नहीं कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, उनसे भी नहीं कुछ कह रहा हूँ बेचारों से। मुझे बताओ भाई, आप अगर मेरे किरदार को नहीं जानते, पिछले 11 साल में जब से मैंने काम शुरू करना शुरू किया, एक लड़ाई है थी जो आपकी छोड़ी, ईमानदार से बताओ भाई, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, जिस जिले को नहीं जानते ना आप कोई भाई, उस जिले में जाके मैंने लड़ाई लड़ी, उस जिले में जाके। लेकिन चंद्रशेखर भाई आज आप लड़ाई लड़े, इलेक्शन पहली बार लड़े ना, तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़े। मैंने क्या कहा? आपके साथ भी ऐसे करेंगे। क्या कहा? छोड़ दो ना मेरे, ये चुनावी लड़ाई है नहीं ना, ये मेरी जंग है, जंग है, सही जंग है, जंग, क्योंकि इस मुल्क में कुछ बचा ही नहीं। आप आगे की कहां की बात कर रहे हैं, इसी बार के बाद निपट लेना, अगर आप पे ताकत नहीं बनी तो ये ताकतवर लोग आपको कुचल लेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। भैया जवाब नहीं दे पाओगे, सुख सुविधा की राजनीति करने वाले बहुत है, मैं सड़कों पे टाइम को लड़ता, क्या मेरा कद कम है? मैं यहाँ खड़ा हुआ हल्के में ले रहे हो, अगर मैं किसी सरकार के सामने खड़ा हो जाऊं तो सरकार की टांगें कांप जाती हैं, आप जानते नहीं चले जाए तो। सरकार को, केंद्र की सरकार को 2 अप्रैल 2018 को शाम तक झुका दिया था मेरे साथियों, और दिल्ली में जब गुरु घर टूटा था 5 लाख लोग तैयार करके सरकार के नाक में नकेल गिर जाता सेंट्रल, रहूंगा क्योंकि मुझे लड़ाई लड़नी है, ये मेरी लड़ाई है, और मैं आपको अलग नहीं मानता, अलग मानता तो किसी चिट्ठी पत्र के बाद जाता पे कि आ जाओ, मैं तब जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता, बिल्कुल मैं वहां जाता हूँ जहाँ मेरी जरूरत होती है, बिना बुला जाता हूँ, बताओ जाता हूँ जाता हूँ। सही बात मेरे भाई, काश में नेता होता, सच कह रहा हूँ, काश में नेता होता तो फिर मैं इतने मुकदमे लगवा के सड़कों में दाल धूल फाक रहा था। मैं रात को मुझे भी पता, मुझे वोट दे रहा, आपको नहीं पता, मुझे पता है, आप नहीं जानते कि मैं कोई, मैं भी आप ही के बीच में, बताओ अगर मैं ना था तो आप मुझे वोट नहीं देते के बता देते बिल्कुल। आपको पता है मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिल में दर्द है बिल्कुल, क्योंकि आपको आपको छला गया, लेकिन आपने छलने के बाद भी तो उन्हीं को वोट दिया जिन्होंने छला। आपकी हिम्मत हो तो समाजवादी के लोगों से पूछना कि दो, आपने कहा था कि 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, आपके 2012 के मैनिफेस्टो में था, इतने लोग खड़े हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ?
आपके बड़े बड़े नेता आएंगे, आप पूछना कि आपने बताओ मैनिफेस्टो में लिखा था नहीं लिखा था कि 100 नौकरी आएंगी तो 18 नौकरी में मुसलमान काबिज होगा, बताओ आपने मैनिफेस्टो में लिखा था। और फिर वो 2012 से 17 सरकार में रहे, आपने 14 में उन्हें वोट किया, आपने 19 में उन्हें वोट किया, आपने 22 में पूरी जान लगा के उनको वोट किया, आज भी वो आपके हकदार है। आप मुझसे कह रहे हैं ऐसे रहना, आपके लोगों ने मन बना रखा, बहुत पहले मन बना रखा भाई। अगर सवाल देखो आएंगे आपकी बस्ते में सवाल जरूर पूछना, मेरा 18% आरक्षण कहाँ है कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ। और देखो जैसे आपने सवाल पूछा तो आपसे क्या कहेंगे, जरूर बात मत करो, बात मत करो भाग जाएंगे। तो मैं आपको बातें बताऊं, मैं मेरे करेक्टर पे देखो, मेरे किरदार पे कोई सवाल उठा था मुझसे, कोई ये कहता कि तुम बदल जाओगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये आदमी को नापते कैसे, ये कोई गज गज है क्या जो तुम्हें डाल के नापोगे। सगा भाई बदल जाता है, मैं तो 11 साल से लगातार लड़ रहा हूँ, और इसलिए लड़ रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, और एक दिन मुझे जाना है तुम यहाँ से। लोग मेरे किरदार को याद करेंगे कि एक ऐसा पैदा हुआ था जो किसी के आगे जिसने गर्दन नहीं झुकाई। मैं आपके दिलों में रहूंगा, आप मेरी बात को याद रखना। मैं अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत की दरखास्त करता हूं और आपसे कहता हूं कि ये वोट हमारा हथियार, इस वोट का इस्तेमाल करना सीख लो, हथियार सही है। आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो विरोधी सियासी विरोधी ताकतवर होगा, विरोधी ताकतवर आपको लड्डू नहीं बांटेगा मेरे भाई, आपका इंतजाम करेगा। इंशाअल्लाह किरतपुर की जनता आपको मायूस नहीं करेगी। ये मैं जाने की इजाजत चाहूंगा, मगर इस वादे के साथ कि आप मत बदलना। नहीं देखो मुझे तो आप अजमा लो, मैं आपको कह रहा हूँ अजमा लो, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी की बातों मत आ जाना, किसी अखबार को पढ़ो। अजमायो क्या अजमाना, आप अजमायो हमें पता है तुमने कितनी कुर्बानी दी है भैया, से क्या होता है आपने कितनी कुर्बानी दी है हमें पता है। तो मेरा पीछे रहेगा नेटवर्क से। एक महीने पहले मुझसे कह रहे थे कि वोट सिर्फ केजरीवाल दे रहा है, सिर्फ केजरीवाल तो सारे भैया ऐसे हैं यहां पर पता क्या है। अगर मजा जब आया जब सवाल करा वो बहुत से लोगों को नहीं पता था, इन्होंने सवाल करा तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों को पता तो लगा, ये है मसला सही करा। देखो मैंने तो मैं चाहता ना गिरफ्तार नहीं होता, उससे भाग जाता मैं, मेरे कोई लोग रहे होंगे मेरे साथ, सब लोगों ने कहा अरे मार देंगे तुम्हें, मना कर देंगे। मैंने कहा यार मौत तो एक दिन आएगी, डर के रहना हूँ मैं, चेक वगैरह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, मेरी बात सुनना भाई, ये तुम लोग सुनना भाई, तुम्हारे बहुत काम आएगी। और मैं चार मित्र कहीं हर जगह पढ़ता हूँ, ये बहुत काम के मित्र हैं, आज खाना खोल देते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए भाई, सुनो। तो उन्होंने चार लाइनें इतनी बड़ी गजब की गई, हर आदमी के अंदर वो पैदा कर देगी जनून कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी, जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मरना जाए। बहुत बढ़िया, और जो पैदा हो गया ये निजाम है कुदरत का कि जो पैदा हो गया उसको जाना, चाहे घुटने टेक के जाओ या आंख से आंख मिला के जाओ, चाहे लड़के मरो या डर के मरो, इस बार वोट डर कर नहीं करना कि कोई खा जाएगा पी जाएगा, तंत्र का हाथ खड़ा है तुम्हारे सामने, मैं देखूंगा कौन। टट के करना कि पोलिंग परसेंटेज इतना हो कि ये जो इनसे मुकाबला है ये हमसे कोसों कोसों दूर हमें छू भी ना पाए।